मैं कह रही थी कि ये अकेली बेचारी क्या करेगी घर पे। मैंने बोला था आपकी बेटी से जाने के लिए, लेकिन कहने लगी कि खच्चर से चढ़ाई करूंगी तब जाऊंगी। ऐसा कहा था क्या तूने? तू से निकल गया था मम्मी, पर सब लोग जाएंगे तो मैं भी पैदल पैदल चढ़ाई कर लूंगी। सब? मैं, इसके पापा और आपके पांच साले। मुझे पागल कुत्ते ने काटा है क्या जो मैं इतनी बड़ी सिरदर्दी लेके वहाँ यात्रा पे जाऊँ? तुम मेरे परिवार को सिरदर्दी कह रहे हो? तो क्या बोलूँ, भूल गई तुम पिछली बार जब वैष्णो देवी गए थे तो कैसा सर्कस किया था तुम्हारे घर वालों ने? कौन से सर्कस की बात कर रहे हो आप दामाद जी? बताऊं कौन से सर्कस की बात कर रहा हूं मैं? हाँ हाँ बताओ ना, मैं भी तो सुनूं। सबसे ज्यादा नाटक तुम्हारी मम्मी ने ही किया था। अब ऐसा क्या नाटक कर दिया था मैंने दामाद जी? जब पूरे कटरा में एक भैंस नहीं दिखी आपको तो रात में 12 बजे भैंस का दूध पीने की सनक क्यों चढ़ गई? आदत ही ऐसी है, क्या करें। लेकिन वो आपके पांचों बेटे, वो अब उन्होंने क्या किया था ये पूछो? क्या नहीं किया था? भैरव बाबा के सामने वाली जो छत है उस पे रेलिंग से कहने लगे लटक जाओ हम फोटो खींचेंगे। वो तो माता रानी का आशीर्वाद है जो मैं बच गया, नहीं तो सफेद साड़ी में बैठी होती तुम। शुभ शुभ बोलिए दामाद जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? भगवान ना करे ये दिन देखना पड़े। चलो अच्छा है मम्मी, कम से कम इन्हें पप्पा से तो कोई शिकायत नहीं है। सबसे ज्यादा अड़ियल आदमी वो ही है। उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं था। एक बात बताइए, जहाँ फ्री का लंगर था वहाँ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था कि अपनी जूठी थाली खुद धोएं, तो उन्हें धोनी नहीं चाहिए थी? अब आदत ही नहीं है ना ऐसी उनकी। अच्छी आदत आपके घर में है कहाँ किसी को? इतना भी सुनाने की जरूरत नहीं है। एक बात बताओ, कहीं कोई जाए और चार छह बातें याद करने वाली ना हो तो घूम के आने का फायदा ही क्या है? तुम ही याद रखो ये अपने घर वालों की चार छह बातें। पुरानी बातों पे मिट्टी डालिए। और आपको एक बात बताऊं, आप शादीशुदा हैं और शादीशुदा आदमी को भगवान के दर्शन अकेले नहीं करने चाहिए, जोड़े में करने चाहिए। और नहीं तो क्या? चुप रहो तुम, टिकट कराते समय तुमसे पूछा था तो गधे खच्चर की रट लगा रखी थी तुमने। अरे छोड़िए ना, ये तो ना समझ है, आप ये रख लीजिए। नहीं नहीं इसकी जरूरत नहीं है, खर्चे के पैसे है मेरे पास। अरे खर्चे के नहीं है ये, टिकट के लिए है। टिकट? अरे वो क्या है ना, हम सब जनरल की टिकट लेके स्लीपर में चढ़ जाएंगे, जैसे टीटी आएगा तुम उसे पकड़ा देना। क्यों मम्मी? एक ग्राम विकास अधिकारी कभी घूस नहीं देता। अरे आपको देना नहीं है, वो खुद ही मांग लेगा, आप तो बस ये रख लीजिए। अरे पूरी सीट नहीं सही, एक पे दो कर देगा तब भी काम चला लेंगे। मतलब आप लोग यहाँ से बैठे बैठे कटरा जाएंगे? बैठेंगे क्यों? देखो एक बैठेगा एक लेटेगा, फिर एक बैठेगा फिर एक लेट जाएगा, ऐसे ही आलू पूरी खाते खाते रास्ता कट जाएगा। क्यों मम्मी? और क्या? और तुम्हारे पापा? अरे वो तो आपकी सीट पर लेट के जाएंगे ना। मेरी सीट पे मेरे सिवा और कोई नहीं जाएगा। अरे पापा की उम्र का तो कोई ख्याल करो। सारा ख्याल मैं ही करूं? यहाँ तुम्हारी फैमिली खड़े पैर वैष्णो देवी जाने के लिए तैयार हो गई, टिकट का कुछ अता पता नहीं है? दामाद जी मैंने आपसे कहा तो था वो जनरल की टिकट लेके। अरे चुप रहिए आप। अरे कहाँ? स्टेशन। स्टेशन? ट्रेन पकड़नी है तो स्टेशन ही जाऊंगा ना। लेकिन ट्रेन आने में तो 2.5 घंटे बचे हैं। 2.5 घंटे बचे हो या 5 घंटे, मैं वहाँ जाके प्लेटफॉर्म पे सोकर इंतजार कर लूंगा, लेकिन यहाँ 5 मिनट भी नहीं रुकूंगा। अरे रुको, सुनो कहाँ जा रहे हो? मम्मी ये तो चले गए। बोगी नंबर याद है क्या तुझे? नहीं। अरे तो बैठी क्यों है, जल्दी कर उठ भाग, इस आदमी की सीट पर ही तो सोकर 9 लोग जाएंगे। अब मैं बबलू को और तेरे पापा को फोन करके कह देती हूँ स्टेशन पहुँच जाएंगे। जय करो शेरा वाली।